जैसा कि कुंती कहती है ना कि चार चीज कोई भी किस व्यक्ति के अंदर होता है तो आपो आप फॉल्स प्राइड आ जाता है, वेरी हाईली एजुकेटेड या ब्यूटीफुल या वेल्थ या बहुत हाई पैरेंटेज में से व्यक्ति आएगा। तो जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये कोई भी चार में से एक भी चीज थोड़ी भी मात्रा में रहती है उसके अंदर फॉल्स प्राइड बहुत जल्दी आ जाता है। और वो फॉल्स प्राइड की वजह से उसके जीवन के अंदर ही कैन नॉट बिकम ए नॉर्मल पर्सन, वो नॉर्मल नहीं रह सकता है। फॉल्स प्राइड एंड ह्यूमिलिटी इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू ईच अदर। अगर व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी है और उसके अंदर फॉल्स प्राइड है, वो साथ में रह ही नहीं सकता। ऐसा बताया गया है पानी और घी दोनों को मिक्स कर सकते हो क्या? पानी और घी होगा तो घी अलग ही हो जाएगा और पानी अलग ही हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर व्यक्ति के अंदर फॉल्स प्राइड है उसके अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी नहीं आ सकती है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी व्यक्ति के अंदर वही व्यक्ति के अंदर आएगी जो व्यक्ति के अंदर फॉल्स प्राइड नहीं है। और अगर सीरियस भक्त होगा ना जीव कृष्ण भावनामृत के अंदर, उसके जीवन में धीरे 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 उसकी मैच्योरिटी आ जाती है कि उसको जो है फॉल्स प्राइड चला जाता है। सीरियस डिवोटी होता है भक्ति प्रभु जी, नो डाउट इट माइट नॉट बी सो फास्ट, बट थोड़े समय के बाद में वो व्यक्ति जीवन में एक सोबर हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोबर? सोबर यानी धीर गंभीर हो जाता है भक्त। वो हवा में नहीं उड़ता है, ज्यादा करके भक्त इवन इंक्लूडिंग जो नवसुखिया भक्त रहता है ना, वो हवा में उड़ता रहता है। उड़ता है नहीं, उसको लगता है मैं कुछ स्पेशल हूँ, मेरे से ये होता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मेरे में एक्स्ट्रा क्वालिटी है। धीरे धीरे भक्त जो है धीरे सीरियस हो जाने लगता है ना, तब उसके जीवन के अंदर वो जो भगवत गीता में जो श्लोक है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकार अभिमूढात्मा कर्ता अमिति मन्यते, उसके जीवन में जेन्युइन ह्यूमिलिटी आती है। और जैसे वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी आती है ना, तभी उसकी सीरियस कृष्ण भावनामृत चालू होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आती है प्रभु जी, तब तक जो है सीरियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस की नहीं आती है। उसके हृदय के अंदर कठोरता रहती है। जो व्यक्ति अगर देखना प्रभु जी, जो व्यक्ति के अंदर प्राइड होता है ना, वो व्यक्ति का हृदय कठोर होता है। कठोर यानी कठोर रह सके भाई, कठोर हार्ड होता है वो। जैसा हृदय कठोर होता है ना, उसके अंदर कृष्ण भावनामृत पेनिट्रेट होता ही नहीं है, उसका हृदय कठोर हो जाता है। आप देख रहे प्रभु जी, जो स्पंज जो हमारे आचार्य हमेशा हमारे राधानाथ महाराज भी एग्जाम्पल देते रहते हैं, स्पंज होता है ना, स्पंज के अंदर तुम जो है ना, उसके अंदर अगर कोई कितना भी पानी डालोगे ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट? आपको कितना भी पानी डालो, आप पानी दिखेगा नहीं उसके अंदर, करेक्ट? लेकिन वही स्पंज के अंदर थोड़ा मट्टी डाल दो और फिर पानी डालो, वो पानी अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। उसी हिसाब से जब भी भक्त के जीवन के अंदर कोमलता रहेगी, यानी विदाउट एनी पोजीशन स्टेटस पावर, उसको कोई हवा में एकदम लाइफ की रियलिटी में आ जाता है, वो उसका हृदय कोमल हो जाता है। और जैसा कोमल होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर इट्स पेनिट्रेट होता है उसके जीवन में। मुझे एक केस बताओ जो व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देता है कि वो व्यक्ति थोड़ा प्राउड लग रहा है, उसमें उसको लग रहा है मैं कुछ स्पेशल हूँ, वो व्यक्ति को प्रभु जी हकीकत में कृष्ण भावनामृत नहीं समझ में आती है। हमारे एक भी आचार्य जो है देखो प्रभु जी, उन्होंने सबसे पहले जो है ना ह्यूमिलिटी पे पहला प्राधान्य दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है अष्ट जो आठ जो शिष्टाष्टकम के वर्ष है उसमें से नो डाउट आखिरी वर्ष एकदम तक पीक है, पिनेकल है, लेकिन जो तृणारूपी सुनिश्चिन्ह का वर्ष है ना, वो वहाँ पे कृष्णदास रविदास गोस्वामी क्या बोलते हैं, जैसे वो चेन के अंदर पेडल होता है ना, पेंडल के ना, पेंडल से ही जो है उसकी ब्यूटी आती है चेन की, करेक्ट? उसी हिसाब से तृणारूपी सुनिश्चिन्ह का वर्ष इट इज लाइक ए पेंडल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो पेंडल है प्रभु जी, जब तक व्यक्ति के अंदर वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी नहीं आती है ना, तब तक कृष्ण भावनामृत नहीं होता है। और आप देखना जो व्यक्ति सीरियस कृष्ण भावनामृत में आएगा ना,
उसके अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी। आप देखो प्रभु जी, जो व्यक्ति जेन्युइन हम्बल होगा ना, और वो आपके साथ में थोड़ा हैवी भी होगा ना, तो आप एब्जॉर्ब कर लोगे। अगर वो जेन्युइन है, वो आपको झापेगा ना, झापेगा नहीं, हैवी भी होगा ना, तो भी आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। और जो व्यक्ति प्राउड होगा, आपको लगेगा थोड़ा हवा में उड़ रहा है और बहुत दादागिरी कर रहा है, वो आपको झापेगा ना, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। यानी ये क्या दिखा रहा है, हर एक व्यक्ति को ह्यूमिलिटी चाहिए। और एक ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है ना प्रभु, कि अगर व्यक्ति के पास में अगर वो दीनता होती है ना, हर एक व्यक्ति उसको अप्रिशिएट करता है। वहां तक चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया है, जब वाराणसी में जब गए और वो प्रकाशानंद सरस्वती के जो वो सन्यासी लोगों के साथ में बैठना था, और महाप्रभु ने पहला ही ह्यूमिलिटी दिखाई, जहाँ पे लोग पाँव धोते थे वहीं पे जाकर के बैठ गए। अच्छे अच्छे सन्यासी से उसके पास में आकर के खड़े रह गए, अरे बाप रे इधर क्यों बैठे आप, और एवरीबडी कुड अप्रिशिएट हिम। और फिर महाप्रभु जो बोले वो सब अंदर से आ गया, उनको हृदय में आ गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ह्यूमिलिटी आने लगी, क्योंकि महाप्रभु ने पहला ह्यूमिलिटी बताई। इसलिए जो है सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, और जब सनातन गोस्वामी जो इतनी दीनता बता रहे थे महाप्रभु को कि मैं कौन आमी, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, मैं कहाँ से आया मुझे पता नहीं है, और इतनी जेन्युइन ह्यूमिलिटी बताई, तब महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, इस वाक्य को कहा है। और कृष्णलाल कविराज गोस्वामी ने इतना सुंदर वाक्य लिखा है, और उसमें बताया है जब महाप्रभु बोल रहे हैं कि स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट। सनातन गोस्वामी, सनातन तुम बंद करो, ये बहुत हो गया, आपकी दीनता मेरे को हृदय को ठोक रही है, मुझे हिला रही है। और फिर बाद में उन्होंने एक वाक्य कहा है सनातन गोस्वामी महाप्रभु ने, इट इज ह्यूमिलिटी एलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। ये इतना महत्व का वाक्य है प्रभु, और राधानाथ महाराज हमेशा ये वाक्य पे इतना प्राधान्य देते हैं। अब देखना, अगर राधानाथ महाराज का एक भी क्लास होगा, वो क्लास के अंदर तृणारूपी सुनी चेने का वाक्य नहीं होगा, तो वो क्लास खत्म ही नहीं हो सकता है। क्यों? उसका रीजन क्या है बताए, ये मैंने थोड़ा एनालिसिस किया इतने सालों के बाद, व्हाट इज द मेन रीजन पता है, जब व्यक्ति बहुत साल कृष्ण भावनामृत में रहता है ना प्रभु, तो उसका सीनियरिटी आ जाती है, उसको सब चीज़ पता चल जाता है, सब चीज़ पता चल जाता है, उसको कैसे रहना है, उसको फिलॉसफी पता होता है, उसको कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो पता है, उसको प्रचार भी अच्छा कर सकता है, उसको कैसे आदान प्रदान करना सब मालूम होने लगता है। और थोड़े समय के बाद में प्रभु, वो व्यक्ति कुछ खोटा भी काम करेगा ना, तो कोई उसको बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर सीनियरिटी आ गई है, बोल नहीं सकते हैं। अगर कोई भी आप देखना प्रभु, एक छोटा सा लड़का होगा ना, वो जो है अपनी बीड बैग जो है नीचे रखेगा, तो हम बोलेगा हमने रखा है, पर एक दुयोधी जो है 15-20 साल के बाद में अपना बीड बैग जमीन पर रखेगा, आप बोलोगे कुछ उसको? क्यों नहीं बोलोगे? अरे वो सीनियर डिवोटी, उसको नहीं बोल सकते। ये नियम है, करेक्ट। वैष्णव अपराध, ये सब चीज हमारे लाइफ में ढांचा बनने लगता है। अभी वो भक्त को जो है कृष्ण भावनामृत के अंदर, फिर जो है ना प्रभु, थोड़े समय के बाद में उसको ऐसा लगने लगता है, मेरे को अभी कोई बोलने वाला नहीं है, आई एम किंग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद ही, आई एम एवरीथिंग, और कोई बोलता भी नहीं है। अभी वो व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में उस समय प्रगति करने के लिए क्या रास्ता है, उसको सब चीज मालूम है, उसके लिए सिर्फ तृणारोपी सुनी चेना है प्रभु, उसके लिए सिर्फ तृणारोपी सुनी चेना। इसलिए जेन्युइन भक्त होगा ना, वो जो है उसका बैरोमीटर ये होता है प्रभु जी। एक बार मेरे को राधानाथ महाराज, आई टेल यू व्हाट हैपेंस, एक बार महाराज को, शुड आई स्पीक, एक बार राधानाथ महाराज को जो है ना थोड़ा पता चला कि आई हैड गुड क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरे पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और कमिंग फ्रॉम अ बिग बैकग्राउंड, वो सब चीज़ पता चल गया। तो महाराज ने मुझे बुलाया, यू आर वॉट, दिस इज योर, यस महाराज। महाराज हंसने लगे, और फिर उन्होंने एक ऐसा मेरे को झापा उस दिन,
ऐसा झापा, आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। उन्होंने मुझे बोला कि एक जेन्युइन साधु जो है खाली एक ही चीज को अप्रिशिएट करता है, नहीं सॉरी, जेन्युइन साधु सिर्फ दो ही चीज को अप्रिशिएट करता है, दूसरी सब चीज जो है वो दूसरे डिवोटी को एंकरेज करने के लिए सब बोलेगा, लेकिन उसके हृदय के अंदर सिर्फ दो ही चीज होती है जिसको वो प्राधान्य देता है और उसको वो अप्रिशिएट करता है। एंड व्हाट इज दैट टू थिंग्स? द टू थिंग इज जेन्युइन ह्यूमिलिटी एंड जेन्युइन डिवोशन। अगर ये दो चीज अगर भक्त के अंदर होगा, वो साधु उसको जबरदस्त अप्रिशिएट करेगा। हाँ, वो जो है भक्त को जो है एंकरेज करने के लिए यस वेरी नाइस वेरी गुड ये सब उसको एंकरेज करेगा, लेकिन उसके हृदय के अंदर है ना, कोई भी भक्त को हृदय के अंदर गुरु के प्रति, गुरु को हृदय में, गुरु के हृदय के अंदर अगर वो भक्त का स्थान चाहिए तो उसके अंदर ये दो चीज बहुत प्राधान्य है, जेन्युइन ह्यूमिलिटी एंड जेन्युइन डिवोशन। अगर ये दो चीज होगा तो ही जो है एक साधु जो है दूसरे व्यक्ति को सीरियसली लेता है। What? Why he wanted to tell me इसके प्रभु तुम्हारे में ये दो ही चीज नहीं है इसलिए तुम गड़बड़ वाले हो। मैंने बोल दिया भाई, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं मुझे। हरे और जो है ना, प्रभु कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल होना चाहिए, ये आर्टिफिशियल होगा तो प्रभु टिकेगा भी नहीं। ह्यूमिलिटी ऑफकोर्स, अगर ह्यूमिलिटी नहीं, एक बार महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज ह्यूमिलिटी मेरा में नहीं है, अभी मेरे को कह रहे देखो ह्यूमिलिटी एक्ट करो भाई, क्या करेगा अभी, और कृष्णा से याचना करते रहो कि मेरे को भाई चाहिए वो दीनता चाहिए, मेरे को वो दीनता चाहिए, और एक्ट करते रहोगे तो एक ना एक दिन जो है कृष्णा की कृपा आएगी तो तुमको मिलेगी। लेकिन ऐसा एक बार एक्ट करते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन के अंदर वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी कैसे आ रहे हैं, जो फॉर एवर उसका स्थान हमारे जीवन में हमेशा रहे। प्रैक्टिकल ये है ना प्रभु, कब तक आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे? वी वांट सम जेन्युइननेस ना, जिससे हम हमारे लाइफ लॉन्ग जो है हम मेंटेन कर पाए। थोड़ा कृष्णा भावनामृत में अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल जाओगे ना प्रभु, आपको पक्का पता चलेगा ह्यूमिलिटी बीच के बिना अपने पास कोई रास्ता ही नहीं है एक अगर सीरियसली कृष्ण भक्ति के अंदर जो व्यक्ति जाएगा ना, उसको कन्विक्शन आ जाता है। ज्यादा करके व्यक्ति जो है कहां पे प्राइड आता है, जैसा कि क्वीन कुंती ने कहा ना, चार जगह पे प्राइड होता है, या तो आपके पास बहुत पैसे है, या तो आप बहुत एजुकेटेड यानी बहुत इंटेलिजेंट हो या एजुकेटेड हो, या तो आप बहुत बड़े लीनियज यानी बहुत बड़े परम लीनियज ने क्यों कह रहा है, हाँ अच्छे खानदान से आए हुए हैं, और चौथु सु हो तो हाँ ब्यूटीफुल, आप कुछ बड़े अच्छे सुंदर हो, ये चार चीजें मेजर है किनको जहाँ से अपने व्यक्ति को प्राइड आता है। थोड़ा कृष्णा भावनामृत में जाएंगे ना दीप में, प्रभु जी आपको पक्का पता चलता है ये सब हवा में उड़ने जैसा है भाई, जेन्युइननेस नहीं है। क्यों? ये चारों चीज आपके पास होगा तो भी वो व्यक्ति को बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? लेट अस फर्स्ट गो फॉर द प्रैक्टिकल। मैं कितना भी धनवान होगा तो भी मैं बूढ़ा होने वाला हूँ कि नहीं? मैं कितना भी धनवान होगा तो भी मैं मरूंगा कि नहीं बढ़ूंगा? मैं कितना भी धनवान होगा तो भी मुझे बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? वेरी प्रैक्टिकल प्रभु, वेरी प्रैक्टिकल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम है प्रभु, ये प्रॉब्लम इतना जटिल है, जो व्यक्ति वो फेस में से बाहर आता है ना तभी उसको समझ में आता है। जब आपके अंदर फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग होता है और जब ये भौतिक जगत मटेरियल नेचर आपको जापता है, तभी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको, बहुत जोरदार झटका लगता है प्रभु।